अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ, कैप्सिकम की। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कि मैंने मोटी वाली मिर्ची ली है, डब्बू मिर्ची बोलते हैं हमारे साइड से। ये तीखी वाली हैं, फीकी वाली नहीं, ये बहुत ही तीखे होते हैं। जवारी वाली मिर्ची है, ये मैंने 1.25 किलो ली है। लेकिन इन कैप्सिकमों को मैंने 2 पानी से धो लिया है, अब इसे कट कर लेंगे। देखिए कैप्सिकम को ऐसे कट कर लेंगे और इन्हें चॉप कर लेंगे इस तरह से पीसेस में, पकजे और उसमें हाफ। ऐसे ही सारे कैप्सिकम को चॉप कर लूँगी। देखिए सारे कैप्सिकम को चॉप कर लिया है। गैस पे एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर ये चॉप की हुई कैप्सिकम डाल दूँगी, जिसे भून लेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून जितना तेल डालूँगी, 1 टीस्पून जितना तेल। गैस की फ्लेम मीडियम पे रख के इसे भून लीजिए। मिर्ची के ऊपर स्पॉट्स पड़ना चाहिए काले काले, तब तक भून लेंगे। ऐसे करने से ये मिर्ची सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगाएगी पकने के लिए। हम ऐसे ही बनाते हैं हमारे घर में। अच्छे से भून लीजिए, कंटिन्यू चम्मच घुमाते हुए बिना जलाए हुए। अगर नीचे सीड्स आए हैं, वो जले हैं, तो निकाल के फेंक दीजिए सीड्स को। देखिए अच्छे से भुने हैं हमारे कैप्सिकम। डब्बू मिर्ची पूरी भुन चुकी है। गैस को बंद कर लेंगे और मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने 4 टेबलस्पून जितनी मूंगफली ली है सेंगा, इसे भून के इसके ऊपर का छिलके को निकाल लिया है। ये मिक्सी के जार में डालेंगे। ये इतने से लहसुन ली है, ये डालूंगी। कोतिंबीर, हरा धनिया, ये भी डालूंगी, धो के लिया है। ये देखिए 1 टीस्पून जितनी कारला लिया है, नाइजर सीड्स, इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है, वो डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए या फिर छोड़ दीजिए। 1 चाय के चम्मच जितना जीरा, क्यूमिन सीड्स, ये डालूंगी। 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, नमक डालूंगी, आधी छोटी चम्मच डाला है, आपके टेस्ट के हिसाब से डालें नमक। अब इसे पीस के लाऊंगी, हल्का सा दरदरा। ये देखिए पीस लिया है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे रख ली, मैश कर लिया है, अब इसे पीस के लाऊंगी। गैस पे एक कढ़ाई रखी है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना तेल डालूंगी। तेल को हल्का सा गर्म होने के लिए देंगे। यहाँ देखिए मसाले को मैंने पीस लिया है ऐसे, अब ये मसाला इसमें डालेंगे। सारा मसाला डालूंगी इसके अंदर। इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी, करी लीव्स डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे रखा है। देखिए मसाला तेल छोड़ रहा है, अब इसके अंदर ये भून के रखी हुई डब्बू मिर्ची डाल देंगे, कैप्सिकम। अब गैस की फ्लेम को लो करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सी के जार में थोड़ा मसाला था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के लाके इसमें डाल रही हूँ। अब नमक को चेक कर लीजिए। अब गैस की फ्लेम को लो करके ढक के 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इससे ज़्यादा पकने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने मिर्ची को भुना है, इसीलिए अब पकने का टाइमिंग कम होएगा। ये देखिए सालन तेल छोड़ रहा है, मसाला भी पका है और मिर्ची भी, अब इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारा कैप्सिकम की सब्जी रेडी है, खाने की प्लेट रेडी कर लेंगे। देखिए हमारे कैप्सिकम की सब्जी, और यहाँ पे ये अंबड़ भाजी की सब्जी है, जो खट्टी वाली भाजी होती है वो। और मिर्ची देखिए पूरी अच्छे से पकी है, क्योंकि हमने इसे भुना है इसलिए। और चटनी अंबड़ भाजी की सब्जी है, ये चटनी नहीं ये, और इसके साथ ये। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए और बना के खाइए। जैसे हमारे घर में बनाते हैं वैसे बनाई हूँ मैं। इसमें मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी बहुत ही तीखी होती है। आप भी इस तरह से कैप्सिकम की सब्जी ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।